मेरे बस की बात नहीं है गृहस्थ जीवन में इतनी भक्ति कर पाना। जॉब होने से सुखी नहीं होते, जॉब होने से और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, ऑफिस का सब कुछ देखना होता है, जिससे सिर्फ परेशानियां होती हैं और कुछ नहीं। तो एक बार जब शादी हो जाए, जिस परिवेश में आप रहना उस हिसाब से अपनी भक्ति करना। लेकिन आप भक्ति करने के लिए जरूरी थोड़ा है कि भगवान के सामने बैठना, घंटी हिलानी है, आरती करनी है या माला ऐसे करनी है, तभी भक्ति होगी। हरे कृष्णा। तो आज आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ है माता अचिंत्य रूपिणी जी। तो माता जी के बहुत सारे वीडियोस और रील्स हम देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे प्रश्न उनको देख करके उठते हैं हमारे मन में, मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठते ही होंगे। तो उनमें से आज कुछ प्रश्नों को हमने समअप किया है और उन प्रश्नों को हम आज माता जी के सामने रखेंगे और देखते हैं, जानते हैं माता जी के मन की बात। तो माता जी, हम देखते हैं कि आजकल सोसाइटी में लड़कियों को जॉब का बहुत ज़्यादा भूत सवार है, उनको लगता है कि उनके पास एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, अपना पैसा होना चाहिए, वरना वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल पाएंगी, पिछड़ जाएंगी। तो ये जो एक माइंडसेट चल रहा है सोसाइटी में लड़कियों को लेकर के, इसमें आप थोड़ा सा अपनी राय दीजिए, क्या ये सही है? जैसे आपने शब्द बोला कि लड़कियों को भूत सवार है ना, तो ये भूत सवार लड़कियों को खुद से नहीं हुआ है ना, ये भूत ना उनके अंदर डाला गया है। जैसे कि घर में उनसे ऐसे करके बात की गई, उन्हें बताया गया कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम अगर किसी कहीं जाओगी तो हाथ थोड़ा ना फैलाओगी उसके आगे। मतलब ये पूरी प्लानिंग की गई है कि जीवन में हम तो दुखी हैं ही और तुम्हें भी दुखी रखेंगे है ना, क्योंकि हम तो दुखी थे क्योंकि हमने जॉब नहीं की, या फिर हम जॉब कर रहे हैं। तो देखो, जॉब करने से क्या है, जब हम हमेशा कंधे से कंधा मिला के सोचते हैं तो लड़कियों की, औरतों की, माताओं की जिम्मेदारी अलग है, पुरुषों की जिम्मेदारी अलग है। मैं ये नहीं कहती कि जॉब नहीं करनी, अगर घर में कुछ ऐसी परिस्थिति है जहाँ हमें करनी पड़ती तो वहाँ मजबूरी है, लेकिन शौकिया नहीं करनी। हाँ, हमें अच्छी एजुकेशन देनी है लड़कियों को, लेकिन एजुकेशन अच्छी देने का मतलब ये नहीं कि जॉब करना ही करना है। लोगों का मानना ही है, मैंने कई बार बात किया तो पता चला कि भाई पढ़ाई का मतलब ही क्या है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो फिर पढ़ाई का मतलब ही नहीं। पढ़ाई खराब नहीं, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन अच्छी होती है अपने परिवार को समझने के लिए, चलाने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जॉब नहीं कर रहे तो सारी पढ़ाई ख़राब हो गई। तो मेन रोल मुझे लगता है कि लड़कियाँ गलत नहीं हैं, बच्चे गलत नहीं हैं, कहीं ना कहीं माता पिता गलत हैं। मैंने कई बार लड़कियों से मिला तो पता चला उनका किसी एग्ज़ाम में नहीं निकल पाता है तो बड़ी दुखी हो रही, बड़ी रो रही हैं, और वो क्यों रही, मुझसे मिलने आई। अभी हम लोग गोविंदा में बैठे थे तो वहीं एक लड़की और पूरी फैमिली आई, तो उसे पता चला कि मेरे एग्ज़ाम में जो पोजीशन आनी चाहिए थी वो नहीं मिला, उसमें नंबर रैंक बहुत कम है। तो बताते बताते बच्चा तो बाद में रोएगा, उनकी मम्मी पहले रोने लगी, उनकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं और वो बच्चा इतना रोए, मैं उससे बोलूँ क्यों रो रही हो? तो मैंने फिर माता जी को समझाया, मैंने कहा वो इसलिए नहीं रो रही कि उसके नंबर कम आए या उसका जॉब नहीं मिली उसे या उसका उस एग्ज़ाम में नहीं आया, उसकी वजह वो आपके लिए वो रो रही है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा मैं पापा की सपनों को पूरा नहीं कर पाई, मैं मम्मी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए दुख होता है। हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए अपने बच्चे की खुशी, वो किस में खुश रहेगा? आपको क्या लगता है, जॉब करके ही खुश रहेगा या उसके पास बहुत सारा धन होगा तभी वो खुश रहेगा? नहीं, खुश रहने के लिए जॉब की ज़रूरत नहीं है, धन की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने के लिए हमें कुछ और ही चाहिए। तो हम बच्चों के ऊपर इतना बर्डन ना डालें कि जॉब नहीं होगा तो तुम दुखी रहोगे। जॉब होने से सुखी नहीं होते, जॉब होने से और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, ऑफिस का सब कुछ देखना होता है, जिससे सिर्फ परेशानियाँ होती हैं और कुछ नहीं। एग्जैक्टली माता जी, आपका ये उत्तर तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और माता जी, एक चीज़ आजकल हम ये भी देखते हैं कि जो बेसिकली लड़कियाँ हैं उनको भक्ति जीवन को प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको घर वालों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता। हम देखते हैं कि लड़कियाँ छुप छुप के मंदिर आती हैं और घर में भी अगर है तो छुप छुप के चैंटिंग करती हैं, और काफ़ी सारी हम लड़कियों से मिलते हैं तो उनकी ये समस्याएं आती हैं कि हम कैसे मंदिर आएँ, कैसे चैंटिंग करें, हमें करना है बट हमारे साथ बहुत दिक्कतें, बताइए क्या करें। तो इस पे आप कुछ उनकी मदद के लिए कोई शब्द कहना चाहेंगी तो बताइए। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने बोला तो हाँ ये सही बात है, लड़कियों के दिमाग में प्रश्न चलता है क्योंकि हम आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम मंदिर आ रहे हैं और अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हैं, हम छुप के मंदिर आ रहे हैं, हम चुपचाप छुप छुप के मालाएं कर रहे हैं। तो मैं उनसे हमेशा एक बात बोलती हूँ, क्या छुप छुप के और कोई काम नहीं करते? क्या
क्या सारे काम माता पिता की मर्जी से ही करते हो? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में आया, हमें छुपाना है तो हम अच्छे से छुपा लेंगे, हमें कोई भी काम करना है तो सबकी नज़रों से छुपा के हम आराम से कर लेंगे। तो अगर हम भगवान के लिए ऐसा करें तो अपराध नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ तो हम ठीक हैं। वैसे हमें माता पिता का कहना मानना है, उनकी बात सुननी है, उन्हें सम्मान देना है, उन्हें आदर देना है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ नहीं सुना। प्रहलाद महाराज ने भी यही किया। प्रहलाद महाराज, उनके पिता थे हिरण्यकश्यपु, कभी अपशब्द नहीं बोला अपने पिता को, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं माना कि विष्णु का नाम मत लो, विष्णु की भक्ति मत करो। तो हमें भी ये देखना होगा कि माता पिता हमें किस मंदिर जाने के लिए रोक रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि मंदिर जाके कोई हम इन्जॉय नहीं कर रहे। और हमें भी देखना चाहिए मंदिर आके ये ना करें कि हम अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आए। हमें आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक एजुकेशन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, इसके लिए मंदिर आना है। बिल्कुल ठीक बात बताई माता जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जिन्होंने हमसे प्रश्न किए थे काफ़ी बार, ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। बिल्कुल माता जी। तो माता जी, एक सवाल इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, और कि कई माताएं हमें ऐसे भी मिलती हैं कि कहती हैं कि हमारे घर में तो इसलिए नहीं हमें भक्ति करने दिया जाता है कि मम्मी पापा कहते हैं कि आपको अभी से ऐसे कंठी माला पहन लोगे, प्याज लहसुन नहीं खाओगे, चार नियम का पालन करोगे, अभी आपकी शादी होगी, फिर आप किसी और के घर जाओगे, उसके अनुसार आपको इतना जीवन चलाना है। तो एक बार जब शादी हो जाए, जिस परिवेश में आप रहना उस हिसाब से अपनी भक्ति करना। तो लड़कियों की भक्ति इतनी कंडीशनल होनी, मतलब ठीक बात है क्या? उनकी जो भक्ति है वो किसी और के पर्यावरण के हिसाब से, किसी और के माहौल के हिसाब से चलनी चाहिए क्या? ये आप माता जी, ये सही बात है, ये ऐसा करना चाहिए हमें? देखो, जो सही है वो सही है ना, जैसे कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, भगवान का नाम लेना है ना, ये हमारे सास, हमारे गुरुजन शील प्रभुपाद है ना, उन्होंने बताया, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कैसे बुरी चीज़ खाने से, देखो जो तमोगुणी है वो खाएंगे तो तमोगुण की वृद्धि बढ़ेगी है ना, तो तमोगुण अगर खाएंगे तो उसका रिएक्शन जो सामने साथ में है उनको ही भोगना पड़ेगा। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा करके रोकते, नहीं नहीं हमें क्या लगता है कि नहीं, बच्चा प्याज लहसुन नहीं खाएगा तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएगा, होटल्स नहीं जा पाएगा, घूमने नहीं जा पाओगे, यहाँ नहीं खा पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। क्या खाना, खाने में भी हमें देखना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल हम ना, मुझे जो लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे खराब नहीं हैं। यहाँ पे ना लड़का खराब है, ना लड़की खराब है, ना यूथ को बच्चे खराब, कहीं ना कहीं हम संस्कार बीज घर से ही डाल रहे होते हैं उनके अंदर, नहीं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा। फिर हम जब वो बीज पड़ता है घर से ही, फिर वो जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो इस टाइप के लोग हैं, फिर अपने आप को और गंदा और गंदा और गंदा करते जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा भी कह रहा है ना कि नहीं भविष्य में कैसी ससुराल मिलेगी, क्या होगा, तो भविष्य की आपको चिंता नहीं करनी, इस चिंता करने वाले हैं कृष्ण भगवान, कुछ भगवान पर भी छोड़िए, सारी चिंताएं खुद ही कर लोगे तो क्या। अगर आप प्याज लहसुन चलो खाते भी रहे है ना, आप प्याज लहसुन खा रहे हो, आप सोच रहे हो पता नहीं कैसी ससुराल मिले, क्या हो है ना, तो क्या लगता है कि प्याज लहसुन खाने से या करने से ससुराल में सब कुछ अच्छा बना रहेगा? माता पिता को क्या लगता है, नहीं इस बात से लड़ाइयाँ होंगी, इस बात से ही होगा है ना, तो आप प्याज लहसुन छोड़ो मत। नहीं, उससे क्या होगा, जब आप सतोगुणी होगे, सही भोजन कर रहे होगे, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, वहाँ जाके आप जान पाओगे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे व्यवहार करना है किसके साथ, आप सारी चीज़ें समझ पाओ, कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है, आपको सब समझ में आएगा। वो किससे होगा? भोजन से, सही भोजन, क्योंकि भगवान भी हमारे प्याज लहसुन नहीं खाते, अगर अच्छा होता तो ठाकुर जी भी खा रहे होते। तो हमें जो भी बनाए भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग जब ही लगा सकते हैं जब प्याज लहसुन नहीं होगा, तो शादी से पहले चाहे शादी के बाद हमें अपने खाने पर, अपने भोजन पर ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई आपने, लेकिन लोगों को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। वेरी ब्यूटीफुल माता जी। माता जी, एक सवाल इसी से मिलता जुलता और आ रहा है कि कुछ माताएँ जो मतलब कि वैवाहिक हैं वो ये कहती हैं कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, सुबह से लेकर शाम तक समय ही नहीं है, पहले घर वालों का लंच तैयार करो, फिर बच्चों का सेवा में लग जाओ, उनकी चीज़ें करो, तो मेरे बस की बात नहीं है गृहस्थ जीवन में इतनी भक्ति कर पाना, ये 16 माला हमसे नहीं हो पा रही है। तो माता जी, आप तो एक आदर्श गृहस्थ हैं, तो ऐसी गृहस्थ माताओं के लिए आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं। देखो, तो सबसे पहले तो ये आपने बोला संभव नहीं है, तो कोई भी चीज़ भक्ति में क्या, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हो ना, और फिर तो भक्ति, भक्ति में तो भगवान का इन्वॉल्वमेंट है,
जब हम भक्ति करने की कोशिश करते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं उसमें। और आप कह रहे भी घर में गृहस्थ में क्या बच्चे हैं, फैमिली है, उनका लंच है, उनकी चीज़ें हैं, लेकिन आप भक्ति करने के लिए ज़रूरी थोड़ा है कि भगवान के सामने बैठना, घंटी हिलानी है, आरती करनी है या माला ऐसे करनी है तभी भक्ति होगी। भक्ति के लिए आपकी इच्छा, आपका संकल्प, आपका समर्पण, ये ज़रूरी है। भगवान को गोपियाँ सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, राधा रानी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, तो क्या वो माला लेके बैठते थे, क्या वो घंटी लाते थे, आरतियाँ लेके बैठते थे? वो क्या करते थे? अपना मन भगवान को दिए थे। उनका चित्त सदैव कहाँ रहता था? भगवान के पास। अगर हम गृहस्थ में भी हैं, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, हम उनकी सेवाओं में लगे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मन तो भगवान को दे सकते हैं ना, सारे कार्यों को करते हुए चिंतन तो भगवान का कर सकते हैं। तो ऐसे करना है, जब हमारे पास समय होगा तब हम माला भी जपेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जप नहीं करना, गीता नहीं पढ़नी, भगवान की आरती नहीं करनी, पूजा नहीं करनी, नहीं, सब कुछ करना है, ये ज़रूरी है भगवान से प्रेम के लिए। ये भक्ति का पार्ट है जिससे हम भगवान से हमारी घनिष्ठता, भगवान से हमारा प्रेम बढ़े। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम ऐसा ना बोलें ये परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से, गृहस्थ जीवन की वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे। कई बार देखा गया है लोग माता का घर छोड़ के चले जाएंगे, है ना, वहाँ जाके भक्ति करेंगे। ठीक है, देखो मेरा मानना है अगर ससुराल कोई ऐसी है जो आपकी भक्ति के लिए आपका सपोर्ट नहीं करते, जो मना कर रहे हैं, नहीं पूजा नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, इतनी ढोंग नौटंकियाँ नहीं करनी, देखो वो तब ऐसा करते हैं जब हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ते हैं और माला लेके बैठ गए। जैसे कि अब समय है प्रसाद का, खाने का, काम करने का, और हमने बहाना क्या बना लिया कि हमें पता नहीं चलता ये बहाना है, क्योंकि ये मन की बदमाशियाँ होती हैं। हमें क्या लगता, नहीं अभी तो मेरे 8 मालाएँ रह गई, 8 ही तो कर पाए थे, अब पहले हम माला करेंगे उसके बाद करेंगे। नहीं, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। शास्त्रों में बताया गया है ये तपस्या है, ग्रस्त जीवन में रहना, छोटे छोटे बच्चों को उनके देखभाल करना, उन्हें संभालना, ये भगवान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। जब भगवान के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्यों को हम अच्छे से निभा रहे होते हैं तो भगवान हमसे खुश होते हैं, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति करने का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी। तो हमें प्रॉपर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी भक्ति को करना है। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने जवाब दिया माता जी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी गृहस्थ माताओं की बड़ी समस्या जो है उसका समाधान आपको मिला होगा आज। तो माता जी, एक और प्रश्न है, आता है अक्सर, हम सुनते हैं जो लड़कियां भक्ति में थोड़ा सा प्रोग्रेस करती हैं, उनको भगवान का नाम अच्छा लगने लगता है और वो बिल्कुल भी उन नाम से बिल्कुल आसक्त तो हो जाती हैं, तो उन्हें ऐसा फिर लगने लगता है कि अब हमारी शादी भी एक डिवोटी लड़के से ही हो, वरना हमारा ये जो पूरा भक्ति की जो प्रोसेस है ये बिगड़ जाएगी। तो ये जो मतलब उनका माइंडसेट है डिवोटी लड़कियों का कि हम डिवोटी लड़के से ही शादी करेंगे, माता जी क्या ये राय उचित है, क्या ये बात उचित है, क्या डिवोटी लड़के से शादी करके एक सक्सेसफुल मैरिज बन पाएगी लड़कियों की जो भक्त है? हाँ, देखो ये सिर्फ लड़कियों की परेशानी नहीं, ये प्रभु जी यानी जो लड़के हैं उनकी परेशानी है। जो डिवोटी होते हैं ना, उन्हें क्या लगता है, नहीं अब हमें शादी करनी है तो ना डिवोटी लड़की चाहिए, उससे शादी करनी है। देखो हम ये नहीं कहते, अगर डिवोटी नहीं भी है, है ना, तो क्या लगता है कि वो भक्ति नहीं कर पाएगी अच्छे से, या उसके लिए भगवान के लिए उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं है? और अगर डिवोटी मिल भी गई तो इसकी क्या गारंटी है जो माला कर रही, तिलक लगा रही, वो भक्त है ही ना? क्योंकि किसी को भी हम तब जान पाते हैं जब उसके जितने नज़दीक जाते हैं। तो हम इसको ऐसे, हमें भगवान पर छोड़ना चाहिए। कुछ कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं ना अपने जीवन के, हमें भगवान पर छोड़ देने चाहिए कि नहीं भगवान जैसी आपकी इच्छा। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे जीवन में अनुकूलता होती है, यानी कि पार्टनर हमारे अनुकूल है, तब हमारी भक्ति अच्छी से चल रही होती है। और कभी कभी क्या होता है, पार्टनर हमसे प्रतिकूल है, तब हमारी भक्ति अच्छे से चल रही होती है। तो ये ठाकुर जी को पता है कि आप भक्ति कैसे अच्छे से करोगे, अगर अनुकूल होगा तो आपकी भक्ति अच्छे से होगी, या प्रतिकूल होगा तो अच्छे से होगी। तो आप अपना दिमाग मत लगाइए कि डिवोटी लड़की से करनी है कि ऐसे लड़की से करनी है, वैसे लड़की से करनी है, जिससे करनी है वो निश्चित है और वो आएगी और या आएगा और उससे होनी है। मेन हमारा मकसद ये है, हमें भक्ति करनी है, हमें अच्छे से प्रचार करना है, हमें भगवान के नामों का गुणगान करना है। तो जैसी भी परिस्थिति मिले, ये भगवान के द्वारा दी गई परिस्थिति है, उसमें हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो माता जी, एक ऐसा ही सवाल आता है भक्तों का, एक ऐसा सवाल आता है कि हम 16 माला भी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जप कर रहे हैं, हमारा पूरा मन भी लगता है नाम में, गुरु के प्रति हम सेवा भी करते हैं, भगवान के लिए भी हम सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कैसे मान लें कि भगवान हमारे साथ हैं? हमको ये फील ही नहीं हो रहा है कि भगवान हमारे साथ हैं।
तो ये कैसे उन भक्तों को पता चलेगा कि भगवान उनके साथ है माता जी? देखो, हमें तो पहले इसी बात को मानना चाहिए, देखो भगवान का हम नाम ले रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो भगवान तो है ही, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, भगवान हमारे साथ हैं, तभी तो हम मान पा रहे हैं जो कुछ करने वाले हैं सारे भगवान हैं, मेरे पालनहार मेरे कृष्ण हैं, मेरे रक्षक मेरे कृष्ण हैं, तो ये भावना आई कहाँ से? हम ऐसा कैसे सोच पा रहे, इतना दृढ़ विश्वास ऐसे कैसे रख पा रहे? भगवान के आपकी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर हम ऐसी भावनाएं रख पा रहे हैं तो इसमें हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान हमारे साथ हैं तभी हम ऐसा सोच पा रहे हैं। तो अगर हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी बात बताई माता जी ने कि सबसे बड़ा लक्षण भगवान का यही है कि हम भक्ति कर रहे हैं, और यही बात की एक चीज़ है ना, क्योंकि भगवान की जो कृपा है ना, पहले भक्तों की कृपा होती है, जैसे भक्त हमें मिले तो हमने भक्ति की है ना, तो भक्त मिले कैसे? भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों की कृपा से हमें फिर भगवान मिलते हैं, क्योंकि भक्त हमें बताएंगे ना कैसे भगवान को पाना है, और भगवान जब कृपा करेंगे तब भक्तों का संग मिलेगा, तो भगवान है ना हमारे साथ, तभी तो भगवान का नाम और भगवान के भक्त हमारे साथ है। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर ये जवाब है, इसको समझना हमें चाहिए, ये जो जो जीवन हमें मिला है भक्ति का जीवन, ये जो संग हमें मिला है, ये है तो भगवान की कृपा ही, क्योंकि आप देखेंगे कि और किसी को भी सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति। माता जी ने बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। माता जी एक सवाल और, थोड़ा सा ये बहुत कॉमन है, सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, हम देखते हैं कि आजकल लोग जाते हैं वृंदावन धाम जाते हैं, बरसाने जाते हैं, और वहाँ पर उनका जाने का जो मकसद होता है वो भक्ति से अलग हटके थोड़ा सा रील्स बना लें, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लें, थोड़ा सा वृंदावन में वहाँ के क्या फेवरेट फूड है वहाँ पर जाएं, वृंदावन की फेवरेट प्लेसेस पर जाएं। तो हम देखते हैं जो स्थल भक्ति के लिए अद्वितीय स्थल है वृंदावन धाम, जो पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, वहाँ लोग जाते हैं और मौज मस्ती मनोरंजन करते हैं, रील्स बनाते हैं, फोटो शूट करते हैं, ये माता जी धाम की मर्यादा के लिए उचित है या क्या होना चाहिए एक धाम में हमारा आचरण? तो देखो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं वहाँ जाके और हमारी चेतना में कृष्ण नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, या हम ये नहीं जान रहे कि यहाँ पर वृंदावनवासी जितने भी जन हैं, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, वहाँ के पशु पक्षी फल फूल जो भी हैं, ये सब भगवान के परिकर हैं, अगर हम ऐसा नहीं जान रहे, ऐसा जान के व्यवहार नहीं कर रहे, तो हम अपराध कर रहे हैं, और हम अपराध करते ही हैं, क्योंकि हम जिस मूड में जा रहे होते ना वैसे ही आचरण कर रहे होते हैं। जैसे हमारा मूड है एंजॉयिंग का, है ना, हम जो हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं? सबसे अलग हम हैं, है ना, सबसे अच्छे हम हैं। तो लेकिन वृंदावन में जाके ऐसा मूड नहीं होना, वहाँ राधा और कृष्ण हैं, वो स्वामी हैं, वो भोक्ता हैं, लेकिन हम पूरा फोकस करते हैं कि नहीं, मुझ पर पूरी दृष्टि आए, देखो हम कितने अच्छे हैं, देखो हम कितना अच्छे से ये कर रहे हैं, और यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं। तो ऐसा हम कर रहे हैं अगर, तो ये अपराध है, इसको बंद कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। देखो जो आपको मिलना होगा वो भगवान की कृपा से ही मिलेगा, ये झूमने नाचने से और ऐसा करने से कहीं कुछ नहीं होगा, है ना, जो कुछ होना है वो सब कृष्ण करने वाले हैं और कृष्ण ही करेंगे। तो ऐसे आचरण ऐसी चीज़ों को बंद कीजिए, ये अपराध है। जी माता जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जानना भक्तों को, क्योंकि जो भक्ति की धरती है, भक्ति की जननी है वृंदावन धाम, और वहाँ पर ऐसा आचरण, मतलब माता जी आपने बताया बिल्कुल सही नहीं है। तो बहुत अच्छा जवाब रहा माता जी का, आप प्लीज़ आप सब फॉलो कीजिएगा इसको। और माता जी एक सवाल है, मतलब कि ये थोड़ा सा जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सवाल आता है कि ये जो प्रोसेस है 16 माला का और सारी चीज़ों का, ये हमारे शेड्यूल से थोड़ा मिसमैच होता है, मतलब हम स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर हम 16 माला को कैसे फॉलो करें, पढ़ाई को कैसे करें, हमारी पढ़ाई और ये भक्ति में थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम नहीं चला पा रहे हैं भक्ति को पढ़ाई के साथ। तो माता जी कैसे चलेगी भक्ति पढ़ाई के साथ? बहुत आराम से चलेगी भक्ति भी होगी और पढ़ाई भी होगी। देखो उसके लिए हमें क्या ना दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा, जैसे कि अब नॉर्मली रूटीन हमारा चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं या कॉलेज चल रहे हैं, डेली का जो चल रहा है, तो उसमें क्या हमें पूरा ध्यान देना है कि सुबह उठना है और अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। अब जब हमारे एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो हमें क्या करना है कि उसमें फिर पूरा ध्यान हमें एग्ज़ाम पर और अपनी पढ़ाई पर पूरा देना है।
उसमें भी फिर ये नहीं करना कि भगवान का नाम छोड़ देना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 माला करें, 4 माला करें, जैसा हमारे पास समय वैसा करें, और बाकी के बचे हुए राउंड्स को हम नोट करके रखें कि नहीं ये बचा है, इस दिन का मेरे 8 रह गए, इस दिन के मेरे 9 रह गए, जो भी है तो उसको बचा के रखें, फिर बाद में क्या जब हमारे एग्ज़ाम हो जाए तो उन राउंड्स को हम पूरा कर सकते हैं। तो देखो एग्ज़ाम में भी आपकी स्मृति और विस्मृति ये किससे है, ये कृष्ण से ही है, आप खूब मेहनत कर लो, है ना। अगर भगवान नहीं है साथ में, भगवान का नाम नहीं है साथ में, तो खूब रटते रहो, खूब परेशान हो जाओ, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कहीं कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए भगवान को हमेशा रखिए अपने साथ, भगवान साथ में होंगे तभी सफलता है, क्योंकि एक व्यक्ति सफल होता है चाहे वो भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिकवादी हो, वह भगवान की कृपा से ही सफल हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद से ही सफल हो रहा है, तो हमें इस बात को मानना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति इस बात को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मान रहे होते, उन्हें क्या लगता है कि नहीं मैं अपनी सामर्थ्य से अपनी शक्ति से ऐसा पाया मैंने। और लेकिन आध्यात्मिकवादी जो व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो हमेशा क्या जानता है कि मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बड़ा ही पतित हूँ, है ना, लेकिन सारा कुछ हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है। तो सच में होता तो भगवान की कृपा से ही है, लेकिन सिर्फ नज़रिया है, देखने का नज़रिया। तो नज़रिया को बदलेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे, तो नज़रिया बदलिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है माता जी ने कि जो शक्ति देते हैं स्मृति विस्मृति वो दोनों देने वाले कृष्ण ही हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप कृष्ण को अपने जीवन से माइनस करोगे तो आप माइनस पर चले जाओगे। तो यूँ बहुत अच्छा जवाब माता जी आपका। तो माता जी एक प्रश्न और आता है भक्तों का कि ये जो तिलक लगाने का है ना, वो हम थोड़ा मंदिर तक ही रखते हैं क्योंकि ऑफिस जाना है वहाँ पर, फिर हमें कहीं किसी शादी पार्टी में जाना है, हमें बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करने हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाना है, तो ये तिलक लगा के हम सबसे अलग ही लगने लगते हैं फिर। तो ये तिलक फिर हम मंदिर तक ही लगाते हैं और अन्य जगहों पे हम थोड़ा तिलक लगाने से बचते हैं। तो क्या माता जी ये जो व्यवहार है ये उचित है या अनुचित है? हाँ बिल्कुल अनुचित है ना, क्योंकि ये तिलक ये पुरुषों की सिखा, प्रभु जी की सिखा, हमारी कंठी, ये हमारी पहचान है, हम अपनी पहचान को थोड़ा ना खो सकते हैं है? लेकिन हम औरों की देखा देखी, औरों के दिखावे में है ना, ये हंस रहा है, ये ऐसा कर रहा है, नहीं नहीं तो हमारे तिलक के लिए हंस रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे ठीक है हंसने दो, कोई और अलग धर्म के लोग जो और हैं वो अपनी चीज़ों को रोकते हैं कि कोई हंस रहा है, कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना, आप ही क्यों, आप क्यों ऐसा करें। हाँ लेकिन अगर ऐसा लग रहा है आपको, कभी हम अभी नए आए हैं भक्ति में, हमारी अभी शुरुआती अवस्था है, है तो हमें थोड़ा सा ऑड लग रहा है ऑफिस में सबके सामने, या कह लो कि ऑफिस का बॉस ही इस चीज़ को मना कर रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जिस ऑफिस में जिस जिनके साथ हम करें तो वहाँ के बॉस ही ऐसे करें, नहीं तिलक लगा के आओगे तो आप नहीं आ सकते, आपको नहीं आना है ना। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम ऐसा हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है, हमें अपना ये जीवन भी चलाना है तो उसकी अर्निंग के लिए हमें धन की भी ज़रूरत है, तो हमें जॉब तो करनी पड़ेगी, तो हम उसमें जल का तिलक लगा सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे भक्त इतने पक्के होते हैं कि जॉब छूट जाए लेकिन तिलक ना छूटे, है ना, होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमारा पालन करने वाले, हमारा हमें खिलाने वाले वो जॉब नहीं है या फिर ऑफिस का बॉस नहीं है, वो हमारे बॉस अलग हैं जो हमें खिला रहे हैं, जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। तो जब इतना दृढ़ विश्वास हो तो हमें तिलक लगा के जाना है, फिर जॉब छूटे चाहे कुछ भी हो तो भगवान ने देखते हैं। अगर इतना विश्वास नहीं है तो फिर जल का तिलक लगाओ, लेकिन तिलक जरूर लगाओ, क्योंकि तिलक से हमारी रक्षा होती है, हम बच पाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, जो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही होती हैं सामने उनसे तो हमें लगता है कि इनसे बचना है, बहुत कुछ है जो हमें नहीं दिख रहा होता इन आँखों से, हम उन सब से बच पाते हैं इस तिलक के माध्यम से, तो ज़रूर हमें तिलक लगाना चाहिए। बहुत अच्छा माता जी ने ये कॉन्सेप्ट रखा कि तिलक जो है वो रक्षा करता है हमारी सारे अमंगलों से, तो तिलक इज़ जस्ट अवर लक, मतलब वो हमारा लक है, तिलक के बिना हम बिल्कुल हम अनलकी हो जाएंगे, तो इसको आप लोग मत भूलिए। तो अगला प्रश्न माता जी ये है कि लोग बोलते हैं कि जो भगवान हैं वो सतयुग में थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, लेकिन कलयुग में भगवान नहीं है, हम नहीं मानेंगे कलयुग भगवान है, हम तो देख रहे हैं चारों तरफ कैसे जो अधर्म कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, और जो धर्मपरायण व्यक्ति है, जो साधु है, जो भक्त है, उसके जीवन में तो कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। इससे अच्छा है भैया ये भगवान भगवान है नहीं, अधर्म करो और सुखी रहो, मतलब भगवान कलयुग में नहीं है। तो क्या ये आप मतलब इस पर मतलब विश्वास करती हैं माता जी? देखो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है हमें ये जानना, क्या सतयुग, द्वापर और त्रेता में ऐसे व्यक्ति नहीं थे?
तब भी थे ना। द्वापर में क्या थे, पांडव हैं कौरव हैं दोनों ही हैं ना। तो हम कहें नहीं नहीं भगवान नहीं है तभी तो ये कौरव हैं ऐसे इनके साथ, जो तो को जो भगवान को मान रहे हैं वो वनवास में जा रहे हैं, जो भगवान को नहीं मान रहे हैं नहीं सुन रहे वो आराम से राज कर रहे हैं। तो हम कलयुग का ही नाम क्यों लें, क्योंकि हम देखो हर युग में हर तरीके के लोग हैं। हम ये नहीं कह सकते कलयुग में भगवान नहीं अधर्मी ही लोग हैं, अगर सारे अधर्मी होते तो ये संसार चल ही नहीं रहे होता, अच्छे लोगों की वजह से ये संसार चल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कलयुग में भगवान नहीं है, कलयुग में भगवान नहीं होते तो ऐसे प्रभुपाद जी ने इतने कम समय में इतने मंदिर बना दिए होते, 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने जो पाश्चात्य जगत में जाता है वहाँ भगवान के नामों का प्रचार करता है और इतनी जल्दी उन्होंने 10 साल में 108 मंदिर की स्थापना कर दी। तो ये दिखाता है कि यहाँ 70 साल का व्यक्ति जब हम संसार में देखते हैं वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है, अपने मुख से बोल नहीं पा रहा, अपने मुंह में अपना निवाला नहीं दे पा रहा, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया जो एक जवान ना कर पाए, जो पूरा जीवन लगा रहा है फिर भी ना कर पाए। तो इससे पता चलता है कि यहाँ भगवान हैं, क्योंकि भगवान की मौजूदगी ही ऐसा करवा सकती है, भगवान की शक्ति ही ऐसा करवा सकती है। तो ऐसा नहीं है माता जी कि कलयुग में भगवान नहीं है, कलयुग में भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इस उत्तर के लिए। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास लेकिन बहुत लिमिटेड समय है माता जी के पास, क्योंकि माता जी की अनेक अनेक सेवाएं हैं। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय देने के लिए हम सबको, और डेफिनेटली आपको भी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूले, आप सारे प्रश्न अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले एपिसोड में हम उसे डेफिनेटली कवर करेंगे। आप लोग प्लीज़ जाइए और माता जी के इंस्टाग्राम को ज़रूर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप माता जी के इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ को बदलने का। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबके प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ। हरे कृष्णा।